चलिए हेल्प करते हैं आपकी। चलिए छोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चे तो गाइज हमें चलने को तैयार लद्दाख ट्रिप के लिए, और मेरे साथ है मेरा दोस्त विजेंद्र जो आया हुआ है गुड़गांव से। तो देखिए रात को ही अभी हम चल रहे हैं, लगभग 11 बजे के आसपास का जो है टाइम है। तो गाइज हम हैं रेडी फॉर अवर लद्दाख ट्रिप। ये घर से हैं हम निकल पड़े हैं, मैं हूँ और विजेंद्र है मेरे साथ। तो हम दोनों जो है आज पहले निकले हैं ले लद्दाख के लिए, अभी जो है घर पे ही खड़े हैं और स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को। बोलो जय हो बजरंग बली की जय। देखिए विजेंद्र स्पीड से जाते हुए और जय हो भोले बाबा की। रात में जो है जाना थोड़ा सा रहता है डिफिकल्ट सा, और आप सभी को पता डेंजरस भी रहता ही है रात की जो ट्रिप है, क्योंकि सम पर्सन अल्कोहल इन सब के इन्फ्लुएंस में रह के जो गाड़ी चलाते हैं तो उससे जो खुद की जान को भी खतरा रहता है और दूसरे वाले की भी, तो ये सीन रहता ही है रात को। ये है हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है रात को। और अभी जो है मतलोडा जो है गांव है मेरा, वहाँ से जो है हम निकले हैं और देखते हैं कहाँ तक जो है रात को जाया जाता है। मे बी मंडी हो सकता है कि क्रॉस कर जाए सुबह के 2-3 बजे तक। ये आ गया अपना पानीपत शहर और पेट्रोल पंप डलवाना था हमें, पर कहीं मिल नहीं रहा है, लग रहा है कि यहाँ पर होगा। तो नहीं है ना, पेमेंट कार्ड से है क्या? हाँ कार्ड से कर दियो। तो नहीं कैश है तो कैश है, ऑनलाइन है कार्ड से सर। कैश ले लियो, गूगल पे कर देंगे। फुल कर दियो। आपका कैमरा कितने काम है? फुल कर दे। कितना आ जाएगा अंदाजा? आज 100-200 का होगा लग रहा, थोड़ा ही होगा लग रहा। 300 मीटर चेक करो, जीरो देख लो। ठीक से पेट्रोल? हाँ। ये कैमरे में कहाँ दिखाई दे रहा? इस तरफ बस 400 बस। हाँ ठीक। ये गाइस जो नेशनल हाईवे है उस पर अपन चढ़ गए हैं, और ये देखिए मैं सीधा चंडीगढ़ की ओर जो है निकल पड़े हैं। तो गाइस करनाल शहर जो हम पहुँच चुके हैं, और ये है जो महाभारत में दानवीर कर्ण हुए थे उनके नाम पे जो इसका जो नाम है वो करनाल पड़ा है। तो गाइस यहाँ पे करनाल से निकलते जो हमने जो है फर्स्ट ब्रेक है वो लिया था, यहाँ पे थोड़ा पानी पिया और हैं लगा ले जो लगाना है। तो यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा पानी पिया है, तो लीजिएगा जो हमने जो स्टार्ट कर लिया अपने जो है जर्नी, थोड़ा सा जो है आराम लिया था, आराम लेते ही जो चल पड़े हैं 40-45
किलोमीटर आए होंगे, करनाल डब्बा है वैसे हमने, और वहीं पर ही थोड़ा पानी पिया है, थोड़ा आराम किया और फिर चल पड़े हैं अपनी पहाड़ों की यात्रा पर, लेह लद्दाख द लैंड ऑफ हाई पासिस के लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हो गए हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो कुरुक्षेत्र है वहीं पर ही जो महाभारत का जो युद्ध है वो हुआ था, कुरुक्षेत्र में जो है श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया, जो इतने सालों से जो है हिंदू धर्म के लोगों को एक सही तरीके से जो है जीने का जो है मार्ग है वो दिखाता है। अंबाला है वो पहुंच चुके हैं अपन, और ये है अंबाला छावनी, चंडीगढ़ है यहाँ से थोड़ा ही रह गया है, और उसके बाद जो है मंडी की तरफ जो है प्रस्थान जो है वो किया जाएगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे थोड़ी देर ठहरते हैं, कन्फेक्शनरी पानी वगैरह की बोतल है वो पियेंगे, फिर आगे की जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे क्योंकि थक चुके हैं काफी। पानी की बोतल है हमने यहाँ से ली थी और प्राइस पड़ा है उसका 30 रुपीज़। और वैसे तो इंडिया में जो है सब जगह 20 रुपये का ही मिलता है, बट यहाँ पे जो इन्होंने जो है रेल का इंजन भी खड़ा किया हुआ है और हो सकता है जो इसका जो रेंट है वो भी जो है ज़्यादा हो, तो लोकेशन भी आई थिंक मैटर करती है, तो कोई इश्यू नहीं है। प्यास लगी हुई थी तो इनको जो है 10 रुपये भी जो है एक्स्ट्रा है और दे दिए अपन ने। विजेंद्र भाई जो है थके हारे अपना फोन में लगे हुए हैं, तो ये सीन है। थोड़ी देर आराम करेंगे यहाँ पर और फिर जो है कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। एक बार फिर चल पड़े हैं अपन, 3 बजने वाले हो गए हैं और अभी तक जो है चंडीगढ़ भी नहीं पहुँचे हम, काफ़ी जो है धीरे धीरे जो बाइक है वो चलाई है मैंने लगभग 60-70, तो बहुत ही स्लो चलाई है जिसकी वजह से जो है काफ़ी 3-4 घंटे जो है हमने लगा दिए हैं। अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ट्राई करेंगे। चंडीगढ़ है उसमें एंट्री कर ली अपन ने, गए सुबह के बज चुके हैं 4 और 5 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते हुए। मनाली यहाँ से रह गया है 266 किलोमीटर, डोन टाइम है और हल्की हल्की जो रोशनी है वो दिखाई देने लग गई है। बढ़िया सा सीन है यहाँ का, ब्रिज बना हुआ है बढ़िया सा, नदी है यहाँ से भी है। और ये देख लीजिए आप आसमान में चंदा मामा दिखाई दे रहा है और रोशनी हो चुकी है। कहीं रुकेंगे अभी, चाय पानी कुछ पिया जाएगा। बढ़िया बढ़िया पहाड़ियाँ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं यहीं से ही, तो सुबह के बज चुके हैं 6 और ये देखिए सूर्यदेव आसमान में जो चमक आए हैं और 7 घंटे हो गए हैं बाइक चलाते हुए और एकदम बढ़िया जो है सामने व्यू बन रहा है। उस तरफ जो है माउंटेन है, उस पहाड़ के ऊपर जो सूर्य दिख रहे हैं और एकदम बढ़िया रोशनी हो गई है उस तरफ। तो कट द व्यू, ओ माय गॉड, अपने
में जो लेफ्ट में है नदी कोई सी, और बढ़िया पुल बना हुआ है, शानदार लाजवाब, देख लीजिए आप, बढ़िया ब्यूटी देखिए इस प्लेस की। और वो बढ़िया आर्किटेक्चर वगैरह बनाया हुआ है, सुंदर सुंदर नगर है वो। पहुंच चुके हैं हम, बढ़िया है सुंदर नगर। सुंदर नगर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। देखिए क्या मनाली यहाँ से रह गया 135 किलोमीटर, और बढ़िया है सुंदर नगर की जो सुंदरता अच्छी है। ऐसा है कि हो गए हैं 10 घंटे बाइक चलाते हुए, और अब जो है नींद आ रही है बाइक चलाते हुए भी, तो इट इज़ नॉट सेफ टू ड्राइव एनी मोर। तो हमने जो सोचा है कि रूम लिया जाए और यहीं पर ही सोते हैं, ठीक है। पूरी रात हो गई है बाइक चलाते हुए, तो काफ़ी जो होटल है वगैरह वो हमने देखे हैं। तो मंडी से पहले ये जो थोड़ा सा होटल है आपको जो दिखाते हैं, होटल V4U, और रूम का कॉस्ट पड़ा हमें 1500 रुपये, और ये जो होटल है हमने लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो रुकते हैं और फिर निकलते हैं थोड़ा सी जो थकान है वो दूर करके फिर आगे की यात्रा जो करते हैं। तो गाइस ये देखिए हमारा जो है सामान है वो रखा हुआ उस तरफ। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने जो होटल है वो ले लिया है, बढ़िया सा एक होटल है, सामने जो है बालकनी है, आपको जो है बढ़िया सा ये पंखा दिया हुआ है, और आपको जो है व्यू दिखाता हूँ बाहर का। बाथरूम भी ठीक ही है, नो कंप्लेंट। और ये देखिए आप, ये यहाँ का व्यू है, और हम रुके हुए हैं मंडी में। बढ़िया शानदार लाजवाब। इस वीडियो में इतना ही, अगली जो हमारी जो ट्रिप रहेगी वो अगले वीडियो में रहेगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।